फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बिगिनर्स केडी। आज का जो वीडियो का कंटेंट है वो कंटेंट आपको शायद थंबनेल देख के पता चल गया होगा, बट आज का जो कंटेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप लोग नहीं, सभी लोग फेस करते हैं। इवन मैं भी फेस करता था प्रॉब्लम कि ये सॉफ्टवेयर इशू। सो दैट आप लोग सभी के लिए ये प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, और ये वीडियो इस टॉपिक में वीडियो बहुत काफ़ी लोगों ने बनाया है, मैंने देखा है, बट आपको शायद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो दैट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई सारा सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका हो गया हमारा जो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ आपका जो एडोब प्रीमियर प्रो, वो आपको कभी भी कहीं भी आपको ये आपको फ्री वर्जन में मिलेगा नहीं, आपको ये पैसे से ख़रीदना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर आपको 700 स्टाइल में मिलेगा, बट वहाँ पर काफ़ी सारा आपका जो सेटिंग्स है वो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो मैं ये वीडियो बना के लेके आया हूँ आपको। हर एक सॉफ्टवेयर मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको, 99% सॉफ्टवेयर आपको फ्री में आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आपको पता चलेगा डाउनलोड करने का तरीका क्या है और डाउनलोड करने का टेक्निक क्या है। आप सीधा ही डाउनलोड कीजिएगा, करने के बाद उसका कोई भी आप क्रैक करने का ज़रूरत नहीं है। कोई फाइल आप सीधा डाउनलोड कीजिएगा, करने के साथ ही साथ आप इसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसे सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे 99% आप सेटिंग्स आप यूज़ कर सकेंगे, यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। और जितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो ना क्यों, वो आप इजीली आप इंस्टॉल कर सकेंगे। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है जो मैंने भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब आप सर्च करने जाएंगे सर्च पेज में, वहाँ पे काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर निकलता है, बट वहाँ पे आप जब फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, बट विद इन 7 डेज आपको बोलेगा ये रजिस्टर करने के लिए, या फिर आपको बोलेगा सीरियल कोड डालो, या फिर बोलेगा आपको ये पैसा पे करो। बट मैं आपको जो ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई पैसा पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही आपको कोई रजिस्टर करने का ज़रूरत पड़ेगा। आप इजीएस्ट तरीके पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको मैं समझा दूंगा कैसे करना है, और मैंने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इजीली आप इसे आपके लिंक से डायरेक्टली आप इजीली जा सकते हैं उसके लिंक तक, और आप कोई भी सॉफ्टवेयर वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, और ये वीडियो अंत तक देखिएगा तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी हम जाते हैं पहले गूगल क्रोम। मैंने यहाँ पे पेज खुला ही हुआ था गूगल क्रोम का, सो मैं यहाँ से खोल रहा हूँ पेज। तो आपको मैं पहले एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर ज़्यादातर फ्री होता है या कि नहीं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ जो बेसिकली सब लेके यूज़ करते हैं हम लोग एडिटिंग के लिए। तो एडोब प्रीमियर प्रो का सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैं एडोब प्रीमियर प्रो मैंने इसका ऑफिशियली होम पेज में मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। आप अभी यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियली होम पेज है एडोब प्रीमियर प्रो का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई प्रीमियर प्रो फॉर फ्री, और यहाँ लिखा हुआ है एडिट वीडियो फॉर फिल्म्स टीवी एंड द वेब। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 7 डेज फ्री। आप ये सॉफ्टवेयर आपको ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकेंगे, बट ये सिर्फ 7 डेज तक ही आप यूज़ कर सकेंगे, और फ्री वर्जन में आपको ये काफ़ी सारे सेटिंग्स है जो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है। तो ऐसा कई सारा सॉफ्टवेयर है जो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका ये हो गया ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलता नहीं है, क्योंकि उसको आपको खरीदना पड़ता है, और ये परचेज भी है इसको, अगर मैं परचेज भी करना चाहूँ तो इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, देखिए ट्राई प्रीमियम प्रो फ्री 7 डेज फ्री, देन आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 1675.60 पर मंथ एक्सक्लूसिव ऑफ GST। तो आप देख सकते हैं, आपको तो पता चल गया होगा ये फ्री नहीं है, ये 7 डेज तक ही आप यूज़ कर सकेंगे, प्लस इसमें सारा सेटिंग्स आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं अभी इसे आपको जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दिखाया था ये। तो अभी हम इसे फ्री में कैसे मिलता है मुझे हमें सॉफ्टवेयर, तो अभी उसमें जाएंगे अभी। तो फ्री के लिए आप यहाँ सिंपली टाइप कीजिएगा गेट इंटू PC, सिंपली ये टाइप कीजिएगा गेट इंटू PC, एंटर।
तो यहाँ देख सकते हैं आप, गेट इनटू पीसी का ऑफिशियल पेज खुल चुका है और ये पहले में यही आता है, फर्स्ट आपका यही ऑप्शन आया, तो पहला वाला ऑप्शन में आप क्लिक कीजिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है गेट इनटू पीसी, तो आप इस वाले साइट से आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आपको यहाँ पे कोई भी फाइल आपको क्रैक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिंपली इसे डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखा दूंगा। अभी देखिए, मैं जो आपको पहले दिखाया था एडोब प्रीमियर प्रो का, जो 1675 समथिंग का कुछ अमाउंट आ रहा था पर मंथ, मैं अभी कम्प्लीटली फ्री में आपको दिखाऊंगा, कम्प्लीटली फ्री आपको मिलेगा ये सॉफ्टवेयर। अब देखिए मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप एडोब प्रीमियर फ्री। देखिए एडोब प्रीमियर प्रो सीसी 2021 रिसेंट का है ये रिसेंट रिसेंट वर्जन है ये 2021 का, फॉर फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, और ये 2020 का है, 1 ईयर से गो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कोई सा भी, आपका वीडियो के अनुसार आपको कोई सा भी पसंद आए उसका स्पेसिफिकेशन का अनुसार आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2018 का भी है, काफ़ी सारा आपको यहाँ पे वर्जन मिल जाएगा, 19 का भी है। तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं 2021 वाला डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरा पीसी आप ये चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए एडोब प्रीमियर प्रो सीसी 2021 फॉर फ्री डाउनलोड, तो ये 64 बिट्स का है। और यहाँ पे आपको क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, विंडोज एक्सपी विस्टा 7 8 और 8.1 और 10, और रैम आपको चाहिए 8 GB और हार्ड ड्राइव चाहिए आपको 2 GB मिनिमम, ये मिनिमम्स लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद प्रोसेसर है, डुअल कोर हो या फिर हाई प्रोसेसर, जो भी i3 i5 जो भी आप यूज़ कर सक रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अभी वो इस उसी का ही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं, और ये हो गया आपका पीसी का रिक्वायरमेंट। आप देख सकते हैं आपका पीसी में ये सब है कि नहीं, ये एलिजिबिलिटी है क्या क्या है। प्लस यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं किसी का पीसी 64 बिट का होता है, अभी का जब जितना भी नया पीसी है सब तो 64 बिट्स का ही आता है, और ये 32 बिट्स में भी है। आप देख सकते हैं 32 बिट्स का अगर सर्च करेंगे तो 32 बिट्स का भी आपको मिल जाएगा। और ये नीचे का पासपोर्ट जो है आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तब आपको ये पासपोर्ट डालना पड़ेगा, 1 2 3। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, तो चलिए पहले डाउनलोड करते हैं इसे। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे में ये डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.6 GB फॉर 2 आवर्स लेफ्ट, मतलब ये 2 घंटा तक लगेगा मिनिमम डाउनलोड होने के लिए, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो भी है, तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। अगर ये 2 घंटा तक हमें वेट करना पड़ता है तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम 2 घंटा तक वेट नहीं करेंगे, तो इसे डाउनलोड होने के लिए छोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा था वो डाउनलोड हो चुका है, तो अभी हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं इसे। तो इसे करते हैं मिनिमाइज, मैं इसको डेस्कटॉप में सेव किया हूँ, तो ये देख सकते हैं आप डेस्कटॉप में मेरे सेव हो चुका है ये। तो आपका जब डेस्कटॉप सेव करेंगे तो इस टाइप का आपका लोगो बनाएगा, तो अभी इसे करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। तो चलिए पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी फ्रेंड का अगर पीसी में एक्सट्रैक्ट वाला एप्लीकेशन नहीं है तो वो भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले यहाँ वो ऑप्शन भी आ चुका है, आप राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ वो ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल, ये सिंपली ओके कर दीजिएगा। पासपोर्ट जो आपको पहले दिखाया था, पासपोर्ट था वहाँ पे, ये पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा आपको, 123, सिंपली 123 आप डाल दीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम अभी वो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट होने का थोड़ा टाइम लगता है आपका, मिनिमम 30 to 40 सेकेंड करीबन लग जाएगा आपको ये एक्सट्रैक्ट होते होते, तो आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है यहाँ पे।
फाइल देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे में और एक आपका आइकन बन गया है, यहाँ पे एक फोल्डर आया है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इसका नीचे, मैं इसे थोड़ा नीचे उतार देता हूँ। देखिए यहाँ पे और एक फोल्डर आ चुका है, अभी से डबल क्लिक कीजिए, खोलिएगा इसे। यहाँ देखिए पासपोर्ट तो यहाँ पे भी लिखा है ऊपर में, आपको जो है और क्लिक कीजिएगा, ये देखिए वो सेटअप फाइल यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ कुछ भी करना नहीं है आपको, ये जैसा है वैसा ही रखना है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए आप इंस्टॉल ऑलरेडी हो रहा है, 5% हो चुका है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, शायद आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आपको पता चल गया होगा कैसा आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे कोई सा भी फाइल आप डाउनलोड कीजिए, कैसा भी सॉफ्टवेयर हो, जो भी हो, आप यहाँ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑटोकैड ले रहा हूँ, ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये भी आपको फ्री में मिल चुका है, आपको कई सारा फ्रेंड को पता होगा ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर आता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो ये भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा।